एनएसयू के सम्मेलन में पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस दौरान मुख्य अतिथियों ने कांग्रेस पार्टी और उसके अनुषंगिक संगठनों में काबिलियत और मेहनतकश लोगों को ही पद मिलेगा। हमारा रास्ता तो कई लोगों ने टोका, लेकिन हमें हमेशा अच्छे कार्यकर्ताओं को आने लाने का प्रयास किया। नवनियुक्त पदाधिकारी एनएसयूआई को स्कूलों कॉलेजों में मजबूत बनाए, विद्यार्थियों के हक व अधिकार की लड़ाई लड़कर उन्हें कांग्रेस की विचारधारा से जोड़े। यह उद्बोधन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य बसंत मालपानी ने मंगलवार को खंडेलवाल धर्मशाला में नागदा खाचत विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में कहे। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सदस्य सम्मानी बसंत मालपानी जी से निवेदन करता हूँ कि वो आए और अक्सर युवाओं का मार्गदर्शन करें। पूरी ताकत से और लगना चाहिए हमारे बाहर से उज्जैन से बहुत समय बाद एनएसयूआई की जवाबदारी जिन्होंने हमें दिलवाई है आयुष भाई ने, तो एक बार जोरदार ताली आयुष शुक्ला जी के लिए कि उन्होंने हमारी पूरी टीम पर भरोसा करके, मतलब मुझ पे भरोसा नहीं किया, आप लोगों पे भरोसा किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ पीडीसी है, आप जितनी ताकत से काम करोगे जितनी शिद्दत से काम करोगे, मेरा मानना है कि नागदा खाचोद क्षेत्र के 25,000 विद्यार्थी आप लोगों को जानेंगे। दूसरी ताली मैं बजवाना चाहता हूँ नागदा खाचोद विधानसभा एनएसयूआई के अध्यक्ष आसिफ शेख, उपाध्यक्ष मयंक गंगवाल, महासचिव मोहसिन मोहम्मद, नारायण सोलंकी और कल्याण गुर्जर के लिए कि इन चारों पांचों ने बहुत जबरदस्त मदद करी। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज तक कभी एनएसयूआई का विद्यालय स्तर तक गठन नहीं हुआ, लेकिन आज हमें आदेश हुआ है कि शेयर अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की और कॉलेज अध्यक्षों की नियुक्ति करना है। हमारे पास स्कूल के भी नाम तैयार है, आने वाले 7 दिन बाद हमें नागदा के 25 विद्यालयों के अध्यक्ष बनाना है। वो ये काम भी इन पांचों को नहीं करना, जिन लोगों को नई जवाबदारी मिली है, अनिल चौहान, करण सिंह चौहान, तो उनसे भी निवेदन करवा के वो नागदा का शेयर अध्यक्ष बनवा दिया जाना उनको। और उनकी पहली जवाबदारी है कि 7 दिन के अंदर नागदा के सारे विद्यालयों के अध्यक्ष बनाना उनको। करण सिंह चौहान से निवेदन है, वो भी एक बार आगे आए। और ब्लॉक अध्यक्ष किसको बना रहे, प्रकाश ओसवाल जी को ब्लॉक अध्यक्ष बना रहे हैं, उनसे निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जितने विद्यालय है वहां पे भी अध्यक्ष बनाना है। मतलब ये लगना चाहिए कि एनएसयूआई आप लोगों के हाथ में है, तो एनएसयूआई का स्कूल स्तर तक, मतलब वार्डों के स्कूल, गांवों के स्कूल तक एनएसयूआई का विस्तार होना चाहिए। दूसरा, मैं आप सभी लोगों को, जिन लोगों की भी नियुक्ति हो रही है, उन सभी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथ ही बताना चाहता हूँ कि हम ये छोटे छोटे जो सम्मेलन कर रहे हैं, पिछले दिनों हमने अल्पसंख्यक विभाग में सम्मेलन करा था 50 सीट लोगों का, आज एनएसयूआई का सम्मेलन किया है। अल्पसंख्यक विभाग का भी जो कार्यक्रम था उसमें मेरा कोई योगदान नहीं था, पूरा कार्यक्रम धन्यवाद। जय हिंद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अध्यक्ष आसिफ सिंह, मयंक गंगवाल, बड़े भाई अतुल चौरसिया जी और आप सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ कि आप आज इस एनएसयूआई के, आपकी नियुक्तियाँ की गई हैं। अभी स्कूल स्तर तक जो विश्वविद्यालय स्तर की मतलब नियुक्तियाँ होती थी, विधानसभा स्तर की नियुक्तियाँ होती थी, हम उस नियुक्तियों को, हम उन पदाधिकारियों को विश्वविद्यालय से लेकर के विद्यालय तक लेकर के आए हैं। और जो भी युवा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो भी युवा विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक एनएसयूआई के साथ जुड़कर काम करना चाहता है, वो बसंत भैया और आसिफ से संपर्क करें, मैं उनको नेतृत्व की क्षमता दिलाने का आपको आज विश्वास देता हूँ। उन सभी लोगों को जो काम करने के लिए एनएसयूआई के साथ तत्पर है, उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी वसंत भैया मेरी है आपके माध्यम से।
और जितने भी आज पदाधिकारी नियुक्त होने वाले हैं उन सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। पर कोई अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट भी करना है। आप लोग कॉलेज और स्कूलों की समस्या खुले रूप से लेके आओ। मैं आसिफ से भी कहना चाहता हूँ, पूरी टीम से भी कहना चाहता हूँ, आयुष भैया और चौरसिया जी आपकी उज्जैन में मदद करेंगे, नागदा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर मैं पूरी आपकी मदद करूँगा और स्टेट लेवल का भी मामला होगा तो हमारे मध्य प्रदेश NSUI के अध्यक्ष विपिन वानखेड़े जी के माध्यम से नागदा खाचरोद के विद्यार्थियों की बात प्रदेश स्तर पर भी की जाएगी। तो आपको अब सभी लोगों की जवाबदारी है, एक बार हाथ ऊंचा करके विश्वास दिलाओ कि